हमारा अंतरिक्ष रहस्यों से भरा हुआ है और उसके बारे में जानने की जिज्ञासा जरूर हमारे मन में रहती है। अंतरिक्ष को लेकर तरह तरह के ख्याल आपके भी मन में आते होंगे, जैसे जमीन से दूर आसमान में जिंदगी कैसी होती होगी। नासा ने स्पेस से आए अलग अलग आवाजों के ऑडियो क्लिप्स जारी किए हैं। इन्हें सुनकर शायद आप घबरा जाए, क्योंकि क्लिप्स में स्पेस से आने वाली भयानक आवाजें रिकॉर्ड की गई है। 28 नवंबर 1961 में कुछ ऐसा होता है जो आज तक हमारे लिए मिस्ट्री बन के रह गया है। जब दो इटालियन भाइयों ने अपने स्पेस ऑब्जर्वेटरी से काफी विचित्र आवाज रिकॉर्ड किया था, जिसमें एक महिला स्पेस से कुछ बोलना चाह रही थी। उन भाइयों का मानना है वो बोलना चाह रही थी, हॉट हॉट ऑक्सीजन ऑक्सीजन। पहले तो उनको लगा कि ये कोई एयरक्राफ्ट इमरजेंसी है। इस बारे में नासा और अन्य स्पेस एजेंसी को इन्फॉर्म कर दिया गया, लेकिन झटका तो तब लगता है जब नासा और अन्य स्पेस एजेंसी बोलते हैं कि 1961 में हम लोगों ने किसी भी वुमन एस्ट्रोनॉमर को स्पेस में भेजा ही नहीं था। तो भला ये आवाज़ किसका था? ये आज तक एक मिस्ट्री बन के रह गया है। और यह है उस महिला का रियल रिकॉर्डिंग जो स्पेस से आ रहा था। वॉयजर 1 जो आज तक का स्पेस में सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाला सैटेलाइट है। जब ये सैटेलाइट हमारे सोलर सिस्टम को पार करता है, तभी हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक अजीब सा हम नाम का साउंड रिकॉर्ड करता है। साइंटिस्ट का ये दावा है कि ये साउंड प्लाज्मा मतलब आयनिक गैस के कारण होता है, लेकिन इसके पीछे का असली साइंस अब तक अननोन है। और ये है असली साउंड जो वॉयजर 1 ने हमारे सोलर सिस्टम के बाहर रिकॉर्ड किया था। मिस्ट्री ऑफ 234 ब्लिंकिंग स्टार्स। 2016 में कैनेडियन एस्ट्रोनॉमर ने हमारे मिल्की वे में कुछ ऐसा भयानक नजारा देखा जो अचंभित करने वाला था। उन्होंने देखा कि 234 स्टार्स एक ही साथ एक ही समय पर सेम रेट पर ब्लिंक कर रहे थे। साइंटिस्ट ये देखकर चौंक गए थे, क्योंकि ऐसा होना हमारे स्पेस में इम्पॉसिबल है, क्योंकि कई स्टार्स एक ही साथ एक ही पोजीशन पर सेम रेट पर ब्लिंक करना कोई साधारण बात नहीं थी। और आज भी 234 ब्लिंकिंग स्टार्स की मिस्ट्री अनसॉल्व्ड है। ऐसा भी माना जाता है कि ये कोई एलियन सभ्यता से भेजा गया कोई सिग्नल होगा, या फिर एलियन द्वारा हमारे धरती पर कब्जा करने का संकेत है। नंबर पर साउंड ऑफ ब्लैक होल। ब्लैक होल का इमेज हम लोगों ने 2019 में ही देख लिया था, लेकिन 2003 में MIT के एडवर्ड मार्गो ने चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी से ब्लैक होल के एक्स्ट्रा सिग्नल्स को ऑडियो फॉर्म में कन्वर्ट किया, जो ह्यूमन हियरिंग लिमिट में था। नंबर 5 लीनियर बर्स्ट। 2007 में साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने 6 साल के स्पेस डाटा रिकॉर्ड को डीपली स्टडी किया और एक चौंकाने वाला रिजल्ट उनके सामने आया। उन्होंने देखा कि रेडियो वेव्स के छोटे छोटे बर्स्ट कंटिन्यूसली एक जगह से आ रहे थे, और ये सिग्नल्स हमारी धरती से 5 बिलियन लाइट ईयर दूर से आ रहे थे। मतलब ये रेडियो वेव्स हमारी धरती के जन्म से पहले ही छोड़े गए थे और ये हमें अभी रिसीव हो रहे हैं। लेकिन इस बात में सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात तो यह थी कि ये रेडियो वेव्स जिस जगह से आ रहे थे, उस जगह पर ना कोई प्लैनेट था ना कोई स्टार था, वो जगह बिल्कुल ही खाली थी। और आज तक साइंटिस्ट ये खोज नहीं पाए कि एक खाली जगह से कैसे रेडियो वेव अपने आप आ सकती है। ये आज तक हमारी धरती के लिए एक मिस्ट्री बन के रह गया है। 2002 में कैसनी स्पेस क्राफ्ट एक मिशन के दौरान शनि ग्रह के पास से गुजरता है और उसने शनि ग्रह के अजीब से साउंड को रिकॉर्ड किया था। साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये अजीब सा साउंड मैग्नेटिक फील्ड के कारण आता है, लेकिन इसके पीछे की असली वजह अब तक मिस्ट्री है, और ये है वो शनि ग्रह का साउंड जो कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने रिकॉर्ड किया। लास्ट
लास्ट है द वाव सिग्नल। 1977 में ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में मौजूद रेडियो टेलीस्कोप ने एक ऐसे सिग्नल को कैच किया जिसने पूरे एस्ट्रोनॉमर्स को चौंका के रख दिया। ये सिग्नल सैजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन से आ रहा था और इस सिग्नल की सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह थी कि ये सिग्नल कभी भी नेचुरली बन ही नहीं सकता, इसे सिर्फ आर्टिफिशियली ही बनाया जा सकता है। और इससे ही 100% प्रूव होता है कि ये सिग्नल किसी एलियन सभ्यता से भेजा गया था। जिस एस्ट्रोनॉमर ने इस सिग्नल को खोजा था उस एस्ट्रोनॉमर ने अपने पेपर के साइट पर वाव लिख दिया था, इसलिए इस सिग्नल का नाम भी वाव सिग्नल पड़ गया। और ये वाला सिग्नल हमारे पूरे मानव इतिहास में सबसे ज्यादा मिस्ट्री सिग्नल माना जाता है। ऐसी कई सारी चीजें हमारे यूनिवर्स में है जिसके बारे में हम आज तक नहीं जानते, इसलिए बोला जाता है कि हमारे साइंटिस्ट ने पूरे यूनिवर्स का 0.25% ही डिस्कवर किया है और मैक्सिमम 2% तक ही डिस्कवर कर सकते हैं। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है। इसका रीजन यह है कि हमें जो सालों से पढ़ाया जा रहा है बिग बैंग थ्योरी के बारे में, असल में ये चीज कभी हुई ही नहीं थी।